हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14। और इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यानी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये कितने मार्क्स में है? 5 मार्क्स में। ये फॉर्मूला देख ले जाओ, ये फॉर्मूला जो है ये 5 मार्क्स में प्रूव करने के लिए होता है। कितने मार्क्स में? 5। यही आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करेंगे। एकदम हल्का लगेगा, कोई भी भारी नहीं है, आप पढ़िए एकदम स्मूथली यहाँ तक पहुंचा देंगे, लगेगा ही नहीं ये 5 नंबर का इतना भारी होता है। ठीक है, खाली इससे पहले वाला लेक्चर क्या होना चाहिए? क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, रिविजन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। तो पहले इमेज कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है ना स्फेरिकल सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस के कारण इमेज यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे ये थोड़ा ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्शन एट प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस, हिंदी में कहा बोले समतल सतह पर अपवर्तन, बहुत मुकाबल ये रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस है। कहा बोलिए बोलिए दर्पण लिखा गया ना, यहां बोलिए क्या होगा सतह, क्या होगा चलिए। तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट, आपको मालूम है? चलिए मालूम कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर पहले ये प्लेन सरफेस ले लीजिए, क्या ले लीजिए भाई, प्लेन सरफेस ले लीजिए, इस पर रिफ्रैक्शन करना है। क्या करना है? तो मान लेते हैं एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण इस प्रकार यहां आ रही है, ये आपकी किरण हुआ, तो इसको क्या करना है, ये आपका जो सरफेस है, एक तरफ एयर एक तरफ क्या है वाटर, मतलब एक तरफ एयर एक तरफ क्या है टेंशन है, एक तरफ रेयर एक तरफ क्या है, एक तरफ रेयर एक तरफ क्या है, याद रहेगा बात। अब सुनिए, अब तो इसको मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पे अभिलंब बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं अभिलंब। अब बताइए कि अगर हम ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, आपकी किरण, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट वहां ले जाएंगे भाई, प्रूफ करा देंगे, थोड़ा रटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको रटना ना पड़े, ऐसा वहां पर लेके जाएंगे हम, प्रूफ करेंगे लेकिन रटना नहीं पड़े। ठीक है, 10 मिनट के अंदर प्रूफ हो जाएगा, समझे, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए समझने का, इसी यहां समझ लीजिएगा, वहां एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस प्रकार हुआ, यहां कैसे मुड़ा, वही क्वेश्चन को यहाँ वहां आपने क्वेश्चन कीजिए, सर अभिलंब ऐसा क्यों होता, वहां नॉर्मल ऐसा क्यों होता, वही वही क्वेश्चन को आपने वहां क्वेश्चन करें, उसी को यहाँ हम डील कर रहे हैं, समझाने को भी कर रहे हैं। चले भाई, तो ये आपका रेयर मीडियम, क्या है रेयर, आइए आपका क्या है टेंशन। चलो पढ़ा, आप बताइए कि आपकी किरण इंसिडेंट रे, अब बताइए ये आइए क्या है, ये सतह इधर पानी, ये पारदर्शी माध्यम, अब ये मुड़ेगा अविलंब की ओर, अविलंब से दूर मुड़ेगा, अविलंब की ओर कैसे मुड़ेगा भाई, अविलंब की ओर, बात समझ में आया, किसे मुड़ेगा अविलंब की ओर, मालूम है ना, क्योंकि रेयर मीडियम से बेसर मीडियम में जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है, और अविलंब कैसा होना चाहिए, अविलंब कैसा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है सतह है, ये क्या है आपका सरफेस है, सरफेस के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे, क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, हाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये समझ में आया, ये समतल सतह पर अपवर्तन समझ में आया,
भाई भाई तो बार बार पढ़ा रहे, सॉरी क्या समझ आना था, जो समझ आया हुआ पहली से। आइए ये चीज पढ़िए, रिप्रोडक्शन एस्पेरिकल सरफेस, यानी एस्पेरिकल गोलीय सतह से, गोलीय सतह से बर्तन, हाँ गोलीय सतह पर क्या करना है, अपवर्तन कराना है। तो ले लेते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कुछ भी ले लेते हैं, पहले तो समझिए। मान लेते हमने एक क्या ले लिया, गोलीय सरफेस ले लिया, कोई दिक्कत यहां, मान लेते हमारा क्या है, अच्छा इसमें भी हम लोग ले लेते हैं, हम लोग यहां मान लेते यहां हमारा क्या है, यहां क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है वो है अब हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है यहां ऑब्जेक्ट, सुनो आई दर्पण नहीं है जो एक तरफ से रचित करेगा, अबे सुनो दर्पण नहीं है जो एक तरफ से क्या करेगा, उसको रचित करेगा, ठीक है। ये क्या है सरफेस है, क्या है अभी पारदर्शी माध्यम है, आर पार दिखने वाला, ठीक है कोई दिक्कत इसमें। अब जिधर ऑब्जेक्ट होगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर अगर उभरा हुआ भाग है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, आज जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर धंसा हुआ भाग है तो उसको बोलेंगे कॉन्केव, क्या समझे, कुछ नहीं, क्या समझे कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर उधर उभरा हुआ भाग है, सरफेस का उभरा हुआ भाग, तो उसको कहेंगे कॉन्वेक्स, अगर ऑब्जेक्ट उस तरफ अगर इधर ऑब्जेक्ट होता है क्या है धंसा हुआ भाग है, उसे क्या बोलते कॉन्केव बोलते, यानी अवतल बोलते। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है क्योंकि उभरा हुआ भाग है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक प्रकाश किरण यहां पर लेके जाएंगे, ठीक है, सतह से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा ना सतह से, आओ सुनिए सतह पर यहां पर पड़ा, यहां के बाद क्या होना है, इसको मुड़ना है, कैसे मुड़ेगा, कैसे अविलंब से दूर के अविलंब की ओर, तो पहले तो अविलंब चाहिए, अविलंब कैसा होता है, बोलिए सरफेस पर अविलंब कैसा होता है, अभी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अविलंब कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, आइए ऐसा परपेंडिकुलर बनाते, कहिएगा सर ठग रहे हैं क्या, क्या ऐसी परपेंडिकुलर तो हम ऐसू बना सकते थे, ऐसू बना सकते थे परपेंडिकुलर, लेकिन सुनिए ये क्या है गोलीय सतह, गोलीय सतह का मतलब क्या होता है, गोलीय सतह का मतलब गोला, तो गोला का ही ना एक भाग इधर से काट करके निकालिए या एक भाग ही काट कर निकालिए, यही ना होता है। अब इस पर परपेंडिकुलर जो हम डालते हैं इसका गोलिया, सुनिए गोलीय सतह पर जो परपेंडिकुलर होगा गोलीय सतह पर वो कहां से गुजरेगा, वो अगर तो उसके सेंटर से, यहां पर अगर मान लीजिए सेंटर है, अगर परपेंडिकुलर हमको डालना है यहां पे तो ये तो परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर है नहीं, क्या ये परपेंडिकुलर है नहीं, क्या अब बताइएगा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है क्योंकि जो सेंटर से गुजर रहा है मतलब ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से गुजर रहा मतलब ये परपेंडिकुलर है, अब बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आप बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आप बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है ना, मतलब सेंटर से गुजरना चाहिए, सेंटर से कहां से गुजरना चाहिए, केंद्र से, कोई दिक्कत, कहां हंस रहे हो भाई, चुटकी ले रहा है, समझ में आया कि नहीं है, ये क्या 90 बना, अगर मान लीजिए कि ऐसा गुजरेगा क्या 90 बना, नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, सेंटर से गुजरना चाहिए। तो भाई साहब ये गोलिये जो दर्पण लिए है इसके बीच वाला सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यहां से यहां को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या ये हो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या ये हो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो तो गोलिये दर्पण पर, गोलिये दर्पण नहीं बार बार दर्पण आ रहा है भाई, गोलिये सतह पर अगर परपेंडिकुलर लंब डालना है, बोलिए सतह पर लंब डालना है तो उसको कहां से पास करना पड़ेगा, बे सेंटर से, कहां से पास करना पड़ेगा सेंटर से,
आइए एकदम समझा दे। तो भाई साहब यहाँ का मान लेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका परपेंडिकुलर सतह है, सतह का क्या हो गया परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत, ये समझ में आया। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हमने और ये हमने क्या डाला विलंब डाला। अब सुनिए ये आपका है एयर और मीडियम, कौन सा मीडियम है, ये मीडियम है डेंसर, मतलब ये आपका है वायु, वायु आपका है पानी। अब प्रकाश किरण ये तो आपकी किरण हुआ इंसिडेंट रे, अब बताइए ये अविलंब से दूर जाएगा कि अविलंब की ओर मुड़ेगा, अविलंब की ओर के अविलंब से दूर, अविलंब की ओर, क्योंकि रेवर से डेंसर में जाने पर अविलंब परिशो हिंदी तो बोलने नहीं करते, विरल से सगर में जाना है तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, ताई अविलंब की तरह बड़ा करना पड़ेगा इसको, तरकल लमारना पड़ेगा, लमारना ठीक है। आइए अब क्या करना है हमको, अविलंब की ओर मुड़ेगा भाई इमेज का, देखिए ऐसे जा रहा था अविलंब से दूर होना चाहिए था इसको, अविलंब से दूर हो गया, अविलंब की ओर आया, अविलंब की ओर आया, अविलंब की ओर आया, मतलब इस पर इमेज जो है इसका कहां बना, इमेज कहां बना, यहां यहां का बना इमेज, कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया। स्फीयर का सरफेस में इमेज कैसे बनता है सो, आप अविलंब समझ में आया, अविलंब समझ में आया, समझे कोई दिक्कत है ना। एक कंसेप्ट हम आपको और सीखना चाहते हैं जो यूज होने वाला, ये त्रिभुज आपको मालूम है, ये त्रिभुज मालूम है, ये त्रिभुज आपका एबीसी होता है मान लीजिए 60 डिग्री, ये 80 डिग्री है, क्या डिग्री, ये क्या डिग्री होता नहीं बताइए, 60, 80, 140 ये हो जाएगा कि नहीं, सुनिए ध्यान से, ये 60, 80, 140 इतना हो जाएगा, अच्छा ये कितना होगा, ये वाला 140, ये 100, क्या हम कह सकते हैं कि ये अंतर दोनों अंतर कोणों का जो होता है आंतरिक जो होता है दोनों त्रिभुज के अंदर ये बहिष्कोण के बराबर होता है, दोनों का योग बहिष्कोण के, अरे यहाँ हम ऐसा खींचते यहाँ पर ऐसे, ये कितना डिग्री होगा तुम्हें बताओ, 40 को छोड़ दीजिए इसको, 40 के बराबर भाई दोनों को जोड़ दीजिए, 40 तो कितना 100, ऐसे भी करेंगे तो ये होगा 100 होगा, 80 ना होगा, क्योंकि ये दोनों का है बराबर ना, ठीक है बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, बात आया समझ में क्या। अगर मान लीजिए कि हम इसको खींच देते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं तो ये कितना होगा बताइए, कितना होगा, 120, कितना होगा 120, कोई दिक्कत, और इसको ऐसे खींचेंगे तो भाई इसको नहीं ना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो 100, बात समझ में आया कि नहीं, ना समझ में आते बराबर आ जाइए, ये आपका है मान लीजिए 75 डिग्री, ये आपका है 45 डिग्री, कितना डिग्री 45, ये कितने हो जाए 60 हो जाए। अभी ये कला पूछ रहे भाई हमको, इतना पूछना था हमको, ये पूछना था ये कितना होगा भाई, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये समझ रहे हैं, यही चीज आपको अभी तो जहाँ प्रूफ करेंगे तहाँ हम लोग बताने वाले हैं, तो वहां नहीं कहेगा सर दोनों को जोड़ के कैसे ही हो गया, प्रूफ हो गया कि दोनों को जोड़ के ये हो सकता है, और ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ के ये हो सकता है, और यहाँ निकालना है यहाँ तो इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ के ये हो सकता है, ना हो सकता है कोई दिक्कत, उसको बहिष्कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जा, इसको तो छोड़ दीजिए पहले, बाद में इसको दीजिए रिफ्रैक्शन एट स्पेक्ट्रम, अब एकदम गौर से ध्यान से पूरा यहाँ देखिए, अच्छा ये भी बता दिया जाए आप लोगों को, अवतल सतह उत्तल सतह बता दिया जाए क्या, अवतल सतह उत्तल सतह बता दिया जाए, मान लीजिए ये ऐसा है ये ऐसा, ठीक है एक खींच लेते हैं, ठीक अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, तो क्योंकि यहां से ऐसा जाएगा, मतलब जिधर उभरा भाग है उधर ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स, अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जिधर धंसा हुआ भाग है उधर ऑब्जेक्ट है, मतलब ना ये हो जाएगा क्या कॉन्केव, क्या हो जाएगा मतलब ये उत्तल, ये अवतल सरफेस है, सतह है, क्या है ये सतह है, ठीक है कोई दिक्कत, समझ में आइए, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेके चलेंगे, कॉन्केव भी ले सकते हो लेकिन किताब में एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स है,
तो कन्वेक्स लेकर चल रही। एकदम ध्यान से देखिएगा कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, अरे अपनी सब कहना की 3-4 क्वेश्चन जो है वो मतलब हर बार रिपीट होकर आते ही रहते हैं ना, समझे। इसमें से कभी कभी एक पूछता है, कभी कभी रियर केस में एक पूछता है, लेकिन हर बार देखिएगा तो दू गो जरूर रेप 5 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का, ठीक है। बनाया जाए। आइए, ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया सरफेस, हो गया स्फेरिकल, ये समझना, ये आपका क्या जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें तो दूसरा चीज नहीं है, मिरर में जो था वही इसमें भी है, ये है और तेल लग रहा है, देख लगा ये बहुत फिर हो गया ना। अब एकदम टनाटन, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, इधर भी लेते हैं हम लोग एयर, एयर समझते हैं वायु, इधर भी लेते हैं हम लोग वाटर, क्या लेते हैं पानी, इधर 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 का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं μ1, क्या मान लेते हैं, इधर वाला को मान लेते हैं μ2, इधर वाला को मान लेते हैं μ1, इधर वाला को मान लेते हैं एनसीईआरटी में इधर N1 इधर N2 मान ले, इधर N1 इधर N2, तो क्या लेट लगेगा, लेकिन समझाएंगे एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहला काम क्या करना, यहां से इसको ले जाना है सतह पे, आ गया सतह पर, आने के बाद क्या होगा, क्या होगा, मुड़ेगा, तो मुड़ेगा तो पहले अभिलंब बनाओ ना बचवा, पहले अभिलंब ना बनावे के बाहो, अभिलंब बनाइए पहले, अभिलंब ऐसा जो कहा ना जैसे सेंटर पर बेचर बताओ पर ना, तो भाई अभिलंब कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ सेंटर पर बेचर से अगर पास हो जाए सेंटर से तो बोलेंगे ये क्या परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, कोई दिक्कत आया समझ में, हमसे कह रहे हैं आ रहा समझ में कि नहीं, दिखाइए कि नहीं। अब सुनो भाई, ये आपका क्या हुआ इंसिडेंट रे, क्या हुआ, अब ये जो परावर्तन होगा ये अविलंब से दूर जाने की कोशिश करेगा, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर क्या होगा, ये अविलंब की ओर जाएगा, सॉरी अभिलंब की ओर ना आएगा, क्योंकि रेयर से टेंशन में जा रहा है, तुम रोड पर से कांधों में घुसेगा तो गड़ी तो स्लो होगा कि रेस होगा, स्लो हो जाएगा, हाँ। लेक्चर याद करेंगे बोला आप क्या तरीका बड़ा बनाते हैं ताकि पिक्चर अच्छा बने, यहाँ पर क्या बन गया हो इमेज, क्या बन गया, अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज हो गया, एक वो काम और ही करना है, यहां से इसको क्या करना है परपेंडिकुलर जो है अब किस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरा देना है, कहा गिरा देना है, ये तो ध्रुव होता है और पी इसको मान लेंगे पी डैश, क्या मान लेंगे, बाहर लगा देंगे थोड़े बाहर, चलिए चलिए बाहर निकलेंगे, क्या किया बेंच में चिंगम चिपका दिया, घर आ जाएगा तो उसको लाग इसी दिन लाग कर देंगे, आप कहीं सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हो गया, अब कहीं अब सुनिए, जो पी है और पी है, पी तो पहले ध्रुव था ही, पी तो पहले ध्रुव था कि नहीं था, अब हमने पी डैश, तो पी डैश और पी कैमरा में दिख रहा है, देखिए देखिए आप लोगों को दिख रहा हो, दिख रहा हो, जूम करके देख लीजिएगा, ये है पी डैश, क्या है मास कर दिया, ये है आपका पी डैश, क्या है, तो पी और पी डैश लगभग लगभग बराबर है, दोनों समान है, अब तो यह कैसे समान है, तो ये अपना मर्जी से नहीं तीर को वहां ले गए, तीर को उठा करके यहाँ लाइए ना, है कि नहीं, इसी पर ना गया है, अरे अपना सुविधा के लिए ना हम क्या किए थे,
इसको बहुत दूर लगे थे इसको, इस किरण को। अब इस किरण को अगर हम चाहे तो यहां लाएंगे ना, तो परपेंडिकुलर यही ना गिरेगा, ध्रुव पर नहीं गिरेगा, ठीक है। क्योंकि इसको कहते हैं हम द्वारक, क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और एंगल एंगल जो है ये एंगल और तड़का छोटा हो जाए, एंगल और तड़का छोटा हो जाए, एंगल तड़का छोटा हो जाएगा कि बड़ा जाएंगे। अब मानिए, मानते हैं हम लोग इसको, बहुत मानते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे इसको? मान लेते हैं अनुभाव, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं गामा, अल्फा बीटा। अच्छा, ये बिंदु का तो कोई नाम ही नहीं दिए, इसको नाम देते पी आर दी हो गया, क्यू नाम देना। आप लोग पूछो दे सकते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पी क्यू तनका मेरे गुलाम में रहेगा। तो शुरू किया जाए, आप इतना ही पिक्चर में था, पिक्चर समझ में आया क्या? चलो अब फटाफट तो लिखिए इसको, अब शादी ब्याह कराते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हंसने वाला बात नहीं है बे। बहुत कुछ हो रहा है, पी डैश और पी लगभग लगभग क्या है? बराबर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, त्रिभुज उभुज मालूम है कि नहीं है? तो लिखते हैं ट्रायंगल, किसमें चले? ओ पी क्यू में, ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो क्या निकालेंगे? ओ पी क्यू में क्या है? अल्फा। तो टैन अल्फा बराबर, तो टैन का क्या होता है? लंब बटा आधार। हो जाओ तो लिखो, थोड़ा आ रहा है नींद। तो टैन अल्फा लंब क्या, आधार क्या? ओ पी क्यू में बता, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में लंब बोले आधार बोले, लंब है ओ पी, आधार क्या है? लंब ओ पी है रे, करो करो करो, लंब ओ पी है, करो बड़ा ये ना हो गया, ये ऐसा अगर त्रिभुज आपको मिल जाए तो ये ठिट्टा है, लंब कौन होगा? ठिट्टा के सामने लंब होता है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो पहले इसको तो छोड़ दीजिए, कर्ण है, क्या होगा? पी क्यू लंब, ओपी लंब है, कैमरा में याद रखना ही बात, पी क्यू लंब है, आधार क्या है? ओपी। आप ओपी डैश बोले चाहे ओपी बोलिए, बात बराबर। अब तनिक सुनल जाओ, तनिक सुनल जाओ, हम जानते हैं कि जब ठिट्टा छोटा हो एंगल, अब कहिएगा एंगल कहिए छोटा है, बड़का दिख रहा है, तो अपना मर्जी से यहाँ ले गए, एक एंगल ला सकते हैं, ये जो ले गए हैं इसको तो एंगल ला सकते हैं, तो एंगल तो बहुत छोटा हो गया। तो जब एंगल जब छोटा होता है तो बार बार बता चुके हैं कि टैन थीटा को हम थीटा मानते हैं, साइन थीटा को भी हम क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। तो टैन अल्फा क्या मान सकते हैं? अल्फा, अल्फा बराबर पी क्यू बटा में ओ पी, समीकरण एक। आई आगे, अब किसमें है? अब ट्रायंगल किसमें करेंगे? इसमें पहला ओ पी क्यू में, दूसरा चलते हैं क्यू पी सी, क्यू पी या सी पी क्यू या पी सी क्यू चलेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर वही बात, क्या टैन क्या लिखेगा इसमें? बीटा, टैन लंब बटा आधार, बताओ को मैं खड़ा, अब बताओ टैन बीटा पर लंब कौन होगा? बीटा नहीं, बीया है इसमें चलेगा, ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा? रे पकड़ो, इसी ये आधार है, टिक्का के सामने लंब होता है, टिक्का के सामने क्या होता है? पी क्यू, अब बता में पी सी, समीकरण होने के बाद टैन बीटा को हम कहा लिख सकते हैं? बीटा बराबर क्या हुई? पी क्यू बटा पी सी, समीकरण होने के बाद दूर आगे बढ़ो जाओ। अब त्रिभुज कर में पी क्यू आई या क्यू पी आई, त्रिभुज पी क्यू नीचे चलते हैं, त्रिभुज बढ़ी बढ़ी पी क्यू आई, पी क्यू आई बोलिए या क्यू पी आई बोलिए या आई पी क्यू बोलिए, लेकिन 90 डिग्री आना चाहिए, क्यू पी आई ये बोलिए। इन ट्राइंगल लिख सकते हैं या हिंदी वाले मेल लिख सकते हैं, फिर टैन क्या हो जाएगा? और इसमें चल रहा है, इसमें क्या जाएगा? टैन गामा, वास्पति गामा का नाम सुने होंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का हो जाए पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा? पी आई, क्या हो जाएगा?
गामा को पटा गामा को गामा नहीं सकते हैं क्या? गामा बराबर होगी आपकी क्यू बता दे समीकरण आया समझ में बात। अब तनका और तनका चलते हैं न्यून है तनका है न्यून और पढ़िए तनका ये तीन को समझ में आया आप लोगों को भाई साहब समझ में आया कि नहीं आ गया होगा ठीक है भाई हंसो नहीं उन लोगों को भी लगना चाहिए कि भाई पूरा प्लान पढ़ाई हो रहा ठीक है मोबाइल में ध्यान किसी को नींद आ गया होगा तो उठ गया होगा ठीक है याद इधर अब चलो फिर आप ट्रायंगल चलते हैं सुनिए ये तीनों बता समझ में आया भाई ये तीनों एक और ये त्रिभुज एक और ये त्रिभुज एक और ये त्रिभुज ये तीनों त्रिभुज समझ में आ गया। अब तनिक दू को त्रिभुज और लेना दू को त्रिभुज कौन एक ओ क्यू सी ट्रायंगल ओ क्यू सी ट्रायंगल ओ क्यू सी ओ क्यू तनिक ध्यान से देख लिया भाई साहब आप लोग भी एक बार में समझ में आना चाहिए पांच नंबर का सवाल है आप लोग पांच मिनट में प्रूफ कर दीजिएगा ठीक है समझ में आ जाएगा ओ क्यू सी तभी ध्यान इधर देखिए ऐसा त्रिभुज है क्या ऐसा है क्या यहाँ है अल्फा यहाँ है बीटा अब तनिक ई वाला ध्यान दे दियो ई का है ई जो है ई का है गामा गामा विलंब है आपतित किरण एंगल ऑफ इंसिडेंट आई आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये तो भुलाइए कहते हो दिन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंगल बताइए आई बराबर क्या होगा अब तुरंत पढ़ा क्या है पीछे अब जो नहीं पढ़ा देखा होगा ये त्रिभुज वाला बात वीडियो स्किप कर दिया होगा भाई साहब को समझ में नहीं आया पीछे जाओ इसको देख क्या इसको ठीक है तो समझ गया भाई समझ गया आज सुनो ये आई है तो ये बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ये बहिष्कोण जो भी अंतःकोण अल्फा बीटा ये बहिष्कोण आई इसके बराबर होगा कि नहीं होगा चलिए आया बात समझ में ये किसी को दिक्कत किसी को नहीं है चलिए अब चलते किसमें है ट्रायंगल किसमें है ट्रायंगल चलते हैं इसमें क्यू सी क्यू आई में या क्यू सी आई में क्यू सी आई क्यू सी आई ट्रायंगल क्यू सी आई क्यू सी आई देखेंगे जब जब हमको आई आर का मान निकालना था आई आर का तो क्यू देखिए क्यू सी आई क्यू सी आई इसमें आर है ये गामा है ये बीटा है तो तनिक ध्यान दो भाई आर का मान निकाले क्या हो तो ये बीटा जो हो जाएगा ये देखिए ऐसा त्रिभुज है ऐसा है ये आपका है बीटा क्या है ये है गामा ये है आर तो भाई साहब ये बहिष्कोण हुआ आई दुनु अंतःकोण हुआ तो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है तो भाई साहब हम का लिखे आर जोर गामा बराबर बीटा अबे लिखाओ ना सही से आर जोर गामा बराबर तो हमको आर निकालना है आर बराबर बीटा ओके और माइनस में गामा ये बात समझना आई आर का मान आ गया आपका अल्फा का मान बीटा का मान गामा का मान आ गया ये और किसी को कोई दिक्कत है ना अब एकदम तो आप लोग यहां से आप लोग प्रूव कर लीजिएगा यहां से आप लोग प्रूव कर लीजिएगा लाना है क्या क्या लाना है म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर लाना आप लोग ही ला लीजिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं किससे स्नेल्स लॉ से फ्रॉम स्नेल्स लॉ किस सबको याद है स्नेल का नियम याद है पता नहीं खड़ा हो जाएगी बताइए और याद है हमको लगा कि नहीं याद होगा न्यू वन साइन आर बराबर न्यू टू साइन आर अच्छा सुनो 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 ये भी बताए थे अभी हम कि साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं कब जब एंगल बहुत छोटका हो तो एंगल तो हम चाहते तो सब जगह छोटका बना सकते थे खाली इंसिडेंट रे को एकदम लॉग में ले आते जिसके प्रिंसिपल असिस्ट अगर लॉग में ले आते तो क्या होता एंगल बहुत छोटा सब एंगल छोटका बन जाते तो हम इसको लिख सकते हैं बढ़िए 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 न्यू वन
आई बराबर म्यू टू आर। अच्छा तनिक ये सुनिए, ये आई है, ये आर है, आर को बटा में ले जाते हैं, आई बटा में आर बराबर म्यू टू बटा में, ये बात समझ में आवा था, ये बात समझ में आया है क्या कि नहीं, आई बटा में आर, ये आई है गुणा में था आर भाग में चला गया आर, ठीक है, ये बराबर म्यू टू इधर गुणा में चला गया भाग में, ये बात को तो नहीं याद रखेगा, आइए देखते हैं क्या बात, आई बटा आर बराबर म्यू टू बटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, मान रखा जाए आई का मान का हाथ नहीं बताइए, अल्फा जोड़ आई करार का मान का है बीटा माइनस, यही ना गड़बड़ सर वो नहीं कीजिए, आई का मान अल्फा जोड़ बीटा, बीटा माइनस का मान, चलिए एकदम सही एकदम सही, ठीक है बराबर म्यू टू बटा, कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अब काट दिया जाए, अब क्या गुना करना है, अब तब मान रख देंगे, अभी तभी अब अल्फा का मान बीटा का मान गामा का मान अभी रखेगा है, तो पहले गुना कर जाओ म्यू वन से अल्फा में, म्यू वन ई अल्फा ऐसे ऐसे पड़ोस में म्यू वन बीटा, म्यू टू से म्यू टू माइनस म्यू टू गामा, गामा गामा अब क्या कर जाओ मान रख जा, अच्छा एक तरफ कर दे बीटा वाला को उधर ले आते गामा वाला को ले आते, म्यू वन अल्फा इधर माइनस में जाके म्यू टू गामा बराबर म्यू टू बीटा प्लस में माइनस में म्यू वन बीटा, देखिएगा म्यू वन म्यू टू में गड़बड़ा गया तो कहानी खत्म हो गया, नहीं आया आंसर, इसलिए हम कभी घबरा जाए लेकिन आप लोग नहीं घबराइएगा, क्योंकि हमारा एक नजर है आप लोगों का कितना है, कोनो 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 को था चल जाएगा, अगर यहाँ गड़बड़ा गया तो गया, इसलिए सब लोग ध्यान दिया कुछ गड़बड़ नहीं था। अब सुनिए ये आपका म्यू वन अल्फा जोड़ म्यू टू गामा जोड़े ना होगा बराबर दोनों में बीटा है तो म्यू टू माइनस म्यू वन क्या ले ले बीटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, मान रख जाओ, आइए मान क्या है, अल्फा का मान पी क्यू बटा ओपी, बीटा का मान पी क्यू बटा पी सी, गामा का देखिए अंतिम में है भाई, हो गया दो मिनट न समझ में आ रहा है, अल्फा का मान क्या है, बीटा के मान गामा के मान रख दे, आइए रख देते हैं म्यू वन, अभी नया नया कलर लगा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, समझ में आ रहा है, याद ध्यान दीजिए आप लोग भी, अल्फा के मान पी क्यू बटा ओपी, पी क्यू बटा ओपी दिख रहा है चलो प्लस म्यू टू गामा के मान, गामा आर नहीं गामा पी आई बराबर म्यू टू माइनस इंटू बीटा का मान पी क्यू बटा पी सी, इसमें किसी को दिक्कत है का, अच्छा सुनिए सब में ऊपर पी क्यू लौट रहा है, अगर कॉमन ले लिया जाए पी क्यू सब में, अच्छा कॉमन तो खत्म हो जाएगा, पी क्यू कॉमन लेते हैं तो क्या जाएगा म्यू वन बटा, ये होगा कि नहीं होगा जो म्यू टू बटा में पी आई, देखिए भाई पी क्यू बाहर कर दिया दोनों में से बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू में क्या हो जाए पी क्यू बटा में, तो इधर रूल होगा ना पी क्यू से पी क्यू का बचा म्यू वन बटा ओ पी प्लस म्यू टू बटा में पी आई बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू में क्या हो जाएगा एक बटा पी सी एक बटा, अच्छा अच्छा एक बटा पी सी लिखे से अच्छा होगी अगर नीचे पी सी लिख देगा आए एक ही नीचे पी सी लिख देते हैं। अब सुनो ओपी का मान तोरा लोग के बतावे के बाद ओपी के मान कहा बताओ
आई में से देखकर ओपी के मान आप लोग बताइएगा क्या होगा, बताओ कोई बताएगा ओपी के मान। अरे ओपी यह है भाई, ओपी यह है डिस्टेंस ध्रुव से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु का दूरी का किसा यू से, अच्छा यू प्लस लेंगे कि माइनस, प्लस की माइनस, प्लस लेंगे कौन से भार लगा देंगे, इधर इधर ना जा रहा है बताए थे मैग्निफिकेशन जब पढ़ाए थे तब चिन्ह चिन्ह परिपाटी जे ध्रुव पर बैठ जाइए, ध्रुव पर उधर में घूमिए जिधर किरण जा रहा हो तो प्रकाश इधर इधर ना जा रहा है तो इधर में घूमेगा तो इधर वाला प्लस और उन्ने वाला तो उधर रहा यू हो, ध्रुव से उधर का माइनस यू, ओपी का मान माइनस यू, ओपी का मान आइए तो म्यू वन बटा में माइनस यू आया समझ में, जो म्यू टू पी आई का मान तो नहीं बताओ करो करो बता में पी आई, पी आई यहां से यहां तक है, आई है इमेज, आई है क्या हो प्लस क्या होगा यू, इमेज डिस्टेंस को यू बोल रही है कहां ध्यान ना जाते डब्ल्यू इमेज डिस्टेंस को प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अच्छा इधर ना है भाई तो क्या होगा प्लस होगा तो हो जाएगा अरे कभी बढ़िया से म्यू वन बटा माइनस यू म्यू टू बटा में बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में पीसी, पीसी का मान देखो यार पीसी कहाँ है भाई पीसी यह हो यह टीका है आर है क्योंकि तो सेंटर तो यहां देखिए गोला है, गोला के सेंटर से सतह की दूरी कितना होता है आर होता है, सेंटर से सतह की दूरी कितना होता है आर होता है तो ये होगा वहां आर, क्या होगा आर। अब देखो अब ये प्लस वाला कैसे कर दे हैं म्यू टू बटा भी ये माइनस ना हो गया म्यू वन बटा बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, बधाई हो फॉर्मूला का जन्म हो गया ठीक है, और लेंस मेकर छटियार होगा लेंस मेकर फॉर्मूला जब पढ़ाएंगे ठीक है समझे, रिफ्रैक्शन बाय लेंस, रिफ्रैक्शन लेंस के द्वारा अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन यानी उसको लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ जाए लेंस मेकर हो तो यहाँ तो जन्म हो गया छटियार उड़ियार वहां कराएंगे शादियों ब्याह सब होगा उधर ठीक है, जब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ाएंगे तब आया समझ में, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा एक बार मैंने दोबारा देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा, एक बार मैंने समझ में आया ठीक है चलिए पढ़ा जाएंगे आगे हम क्या पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ड्यू टू आप तो थक गया कि छोड़ देते हैं इसको अगला टॉपिक में देखेंगे, और उसके बाद क्या है रिफ्रैक्शन बाय लेंस यही पर छटियार होगा उसका, तो ये क्लियर हो गया एक बार स्क्रीनशॉट आप तो क्या सुनिए कहिएगा सर खाली पांच नंबर में इतना लिख देंगे तो हो जाएगा नहीं, सुनिए इसको लिखने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा इंग्लिश वाले ये छाप लीजिएगा मारिए तो स्क्रीन शॉट सटाक से वही बात लिख रहे एक कंसीडर कर लीजिए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एक उत्तर दर्पण उत्तर सतह मतलब क्या करते हैं मान लेते हैं और जिसका रेडियस का कर्वेचर आर है और बीच जो सेपरेट किया गया है दो को मीडियम से एक को मीडियम को क्या बोला गया है म्यू वन को म्यू टू बोला गया है एक को मीडियम को म्यू वन एक मीडियम को देयर इज अ पॉइंट एक पॉइंट ओ है ना वो क्या है ऑब्जेक्ट है वो क्या है ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पे एट सम डिस्टेंस फ्रॉम पोल पोल से कुछ दूरी पर प्रिंसिपल एक्सिस के पोल के कुछ दूरी पर वही बात है ऑफ द सरफेस सरफेस के द इमेज आई बना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के कारण किसके कारण रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के कारण बना और अब सुनिए और लाइज अदर साइड जो दूसरा साइड है एक साइड ऑब्जेक्ट रख के दूसरा साइड क्या बना है इमेज बना वी हैव फाइंड पोजीशन हम लोगों को निकालना है पोजीशन मतलब स्थान स्थिति इमेज फॉर इमेज फ्रॉम पोल पोल से इमेज की दूरी पोल से इमेज की दूरी निकाल लीजिए वी का मान या क्या एस्टेब्लिश ये बताइए और मतलब या और मतलब या आप रिलेशन संबंध बता दीजिए किस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस ऑफ इमेज में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में मतलब यू वी आर का रिलेशन बता दीजिए यही आपको निकालना है
या हम लोग माने हैं कि फ्रॉम डायग्राम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और लाइन फ्रॉम क्यू, क्यू से पहले वो लाइन देखिए यहां ड्रॉ किया ना, क्यू से, क्यू से हमने एक लाइन ड्रॉ किया पी डैश, क्यू से एक लाइन जो है एक लाइन क्या ड्रॉ किया है क्यू से एट द प्रिंसिपल एक्सिस पर ना क्या पॉइंट पी डैश, पी डैश यदि सेंटर यदि कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कर्वेचर इज लार्ज, लार्ज कैसे होगा स्मॉल ना होगा क्या होगा स्मॉल, एंगल भी क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, कर्वेचर भी छोटा और एंगल भी छोटा, तो जब छोटा हो जाएगा जब छोटा होगा तो पी और पी डैश, जब छोटा होगा जब पी एंड पी डैश क्या होगा बराबर होगा ऑलमोस्ट सेम होगा प्राय सेम होगा। अब मान लेते हैं कि ओ ओ ओ जो जहां पर ओ है उस कोण को अल्फा मान लीजिए, जहां पर सी सेंटर कर्वे जो छोटा माने बीटा और जहां पर आई में जिसको गामा, यही ना माने हैं, यही ना माने हैं ओ पर अल्फा माने हैं सी पर बीटा माने हैं और आई पर गामा माने, गामा है गामा आर नहीं है गामा, कोई दिक्कत तो हिंदी वाला वही बात हम लिख दिए हैं ठीक है। ये पांच नंबर को प्रूफ करने से पहले ये जरूर लिखिएगा ये जो हिंदी में लिखा हुआ है सो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में हिंदी वाले हिंदी में जरूर लिखिएगा ठीक है। अब ये पांच नंबर मिली ना तो भाई तीन चार नंबर मिलेगा चलिए, तो इसको हो गया कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई सवाल उबाल करना है क्या, आप लोगों को सवाल करना होगा पहले दोबारा एक बार देख लीजिएगा फिर न समझ में कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और पीछे वाला लेक्चर का रिवीजन करके आइए ठीक है। आगे हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और लेंस मेकर ढूंढना पड़ेंगे ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द बेस्ट।